तो फिलहाल ट्राई करते हैं और थोड़ा सा फंस गए हैं कोशिश, क्योंकि यहाँ कुछ आगे पीछे कुछ है नहीं, सड़क पे खड़े हुए हैं, तो कोशिश करते हैं। हाथ थोड़े गंदे हो गए हैं, ट्राई मार रहे हैं, लेट्स सी आगे क्या होता है। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और हम फिर निकल चुके हैं रोड पे, आपको अभी हम लोग थोड़ा सा शरीफ जैसे दिख रहे होंगे, शर्ट वर्ट पहन करके ऑफिशियल काम से जा रहे हैं कन्नौज। तो ऑफिशियल काम के साथ साथ में अगर हमें टाइम मिलेगा तो हम कोशिश करेंगे कुछ और शूट भी कर पाए, क्योंकि कन्नौज जो है वो फेमस है इत्र के लिए, हैंडमेड इत्र के लिए, विदाउट केमिकल इत्र वहाँ पे प्रोसेस होते हैं, बनते हैं और कई कंट्रीज में, कई देशों में सप्लाई होते हैं। तो हमारी कोशिश है कि हम वहाँ पहुँचे। कन्नौज लखनऊ से करीबन 100 किलोमीटर, एक्सप्रेसवे से एग्जैक्ट 98 किलोमीटर एंटर होने के बाद एग्जिट होने तक, बट चूंकि हम गोमती नगर से आते हैं हमें करीबन 15-20 किलोमीटर उधर एक्स्ट्रा चलना होता है, और यहाँ शहर में जाने के लिए 15-20 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलना पड़ता है। तो करीबन 125 किलोमीटर 130 किलोमीटर हम चलेंगे, पहुँचेंगे कन्नौज, निपटाएंगे अपने काम और टाइम निकालेंगे, कोशिश करेंगे कि हमें टाइम मिले थोड़ा सा तो हम कन्नौज शूट कर पाएं। कन्नौज के फेमस प्लेसेस पॉसिबल हुआ तो, और कन्नौज का फेमस इत्र, कन्नौज का परफ्यूम आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, गूगल पे बहुत इजीली आपको दिख जाएगा कन्नौज किस लिए फेमस है, वो हम कवर करते हैं और पहुंचते हैं कन्नौज, खाते हैं आपको कन्नौज के नजारे। अब हम पहुंच रहे हैं आगरा एक्सप्रेस वे पे, लखनऊ टू आगरा एक्सप्रेस वे पे। जैसा हमने बताया कि हम हैं तैयार कन्नौज जाने के लिए, जो इत्र की नगरी के नाम से फेमस है। ये सामने आपको दिख रहा है एक्सप्रेस वे, लेफ्ट साइड से सर्विस लेन से हम इस पर चढ़ रहे हैं। एक ही टोल पड़ता है यहाँ से इंटर होते वक्त, वो आपकी स्कैनिंग कर लेंगे और जब आप एग्जिट होंगे तो वो डिटेक्ट हो जाएगा। ये हमने लास्ट ब्लॉग में, इनफैक्ट पहले ब्लॉग में बताया भी था, ये कट है यहाँ से आगरा और मुमान का, लेफ्ट हम हो गए आगरा एक्सप्रेसवे पे। अब तक सबसे बढ़िया एक्सप्रेसवे यूपी का, लिमिटेड ट्रैफिक, और सबसे अच्छी चीज है कि जानवरों की दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है इस एक्सप्रेसवे पे, क्योंकि इतना ऊंचा बनाया हुआ है इन्होंने और दोनों तरफ से बैरिकेडिंग की हुई है। वेलकम टू आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे, जबकि ये लखनऊ टू आगरा एक्सप्रेस वे होना चाहिए यहाँ से, वहाँ से होना चाहिए आगरा टू लखनऊ एक्सप्रेस वे। जैसे ट्रेन का नाम रिप्लेस हो जाता है, लखनऊ से जाती है तो लखनऊ टू दिल्ली हो जाती है, और तो दिल्ली से आती है तो दिल्ली टू लखनऊ हो जाती है। यहाँ से कन्नौज है 98 किलोमीटर, लेफ्ट साइड में एग्जिट किलोमीटर 220, आगरा 316, तीन मेन लेन,
लेफ्ट साइड में, बट हम लिमिटेड स्पीड पे हैं, हम नॉर्मली 80-90 चलते हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। हमारा फिक्स रहता है कि हम 80-90 से ऊपर नहीं चलते, उसको क्रूज पे डाल करके, जिसकी वजह से हमें इसका एवरेज भी बहुत अच्छा मिलता है अपनी गाड़ी का। इस गाड़ी के हिसाब से हमें बहुत बेस्ट एवरेज मिलता है। तो ये हम पहुंच रहे हैं जहां पे हमारा फास्टैग स्कैन हो जाएगा, बट यहां डिटेक्ट नहीं होगा। जहां पे हम इसको एग्जिट करेंगे उस जगह पे इसका डिडक्शन होगा, इतने किलोमीटर हम चलेंगे उसके हिसाब से। तो अपने फास्टैग पे पैसे ज़रूर डाल के रखें, क्योंकि पेनल्टी डबल है अगर आपके फास्टैग में पैसे नहीं हैं, तो पेनल्टी जो है डबल है। इसलिए प्लीज़ अपने फास्टैग में पैसे ज़रूर डाल के रखें। और ऑलमोस्ट सारी लेन जो है वो फास्टैग है, कैश लेन लिखा है लेकिन कैश लेन भी अब ख़त्म हो गई है। ये सब पे आपको साइड में दिखा है ओनली फास्टैग। यहाँ से ये कैमरे में स्कैन हुआ, आराम से आप बाहर निकल गए। बहुत अच्छा सेंसर है, कुछ जगह हम लोग झेल जाते हैं, बट यहाँ हमें बड़ा अच्छा मिला कि गाड़ी सिर्फ धीमी करनी पड़ी, रोकनी नहीं पड़ी। तो आइए चलते हैं, पहुँचते हैं कन्नौज, कन्नौज के नज़ारे दिखाते हैं। और जैसा मैंने बताया कि कन्नौज इत्र की नगरी है, तो कोशिश हम ये भी करेंगे कि आपको इत्र भी दिखाएं कि कैसे बनता है। ग्रीनरी बड़ी जबरदस्त है लेफ्ट साइड में, आपको थोड़ा सा मैं कोशिश करूंगा दिखाने की। देखिए लेफ्ट साइड में तो पहली बार हम लोग अटक गए हैं एक्सप्रेसवे पर लखनऊ से निकलने के बाद। देखिए अनुपम ने ग्लव बॉक्स खोला हुआ है और एसी हमारा जो है एसी फ्लो नहीं आ रहा अंदर गाड़ी में, तो बाहर की हवा तो ठीक है लेकिन अंदर कूलिंग नहीं आ रही। चेक कर रहे हैं यहाँ पे भी, बोनट हमने खोल रखा है चेक करने के लिए। अंदर डस्ट है फिल्टर पे, तो अगर फिल्टर चोक हुआ है तो फिल्टर निकालते हैं, देखते हैं क्या दिक्कत है फिल्टर में। कुछ दिक्कत हो गई है लग रहा है, एक बार आगे से कूलिंग कॉइल चेक कर लेते हैं, शायद हो सकता है उसमें कुछ दिक्कत हो। तो ये है एसी का पाइप और इसमें बर्फ़ नहीं जमी है अभी फ़िलहाल, तो अगर बर्फ़ नहीं जमी है तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत ज़्यादा होनी नहीं चाहिए। तो आज हम लोग गाड़ी खोल के खड़े हैं सड़क पे, हाईवे पे, एक्सप्रेसवे पे, पीछे आपको दिख रहा होगा, तो एक बार इसको स्टार्ट करके देखते हैं। थोड़ा बहुत हम लोगों ने जुगाड़ तो लगाया है, लेट्स सी क्या होता है। तो हमने इसको ऑन किया, फैन चेक करते हैं कि कितनी हवा आती है। आई थिंक जुगाड़ करके हमारे पास थोड़ी हवा तो आ गई है डोर ऑन करने से, हवा आ रही है। इसके अंदर होता है हमारे एसी का फिल्टर, तो इसको जब भी आप निकलें एक बार जरूर चेक कर लें। ग्लव बॉक्स के अंदर होता है एसी का फिल्टर,
और आगे से आप चेक कर सकते हैं कि आपका पाइप ठंडा हो रहा है कि नहीं। तो आपको दिखाते हैं ये पाइप। आप अपने गाड़ी का जो ये पाइप है इसको छू करके चेक कर सकते हैं, पाइप ठंडा कर रहा है तो इसका मतलब आपका एसी काम कर रहा है। तो ये ज़रूर एक बार चेक कर लीजिए अगर आपका एसी काम नहीं कर रहा है तो। तो फिलहाल ट्राई करते हैं और थोड़ा सा फंस गए हैं कोशिश, क्योंकि यहाँ कुछ आगे पीछे कुछ है नहीं, सड़क पे खड़े हुए हैं। तो कोशिश करते हैं, हाथ थोड़े गंदे हो गए हैं, ट्राई मार रहे हैं, लेट्स सी आगे क्या होता है। कोशिश करें कि सही तरीके से लें ताकि आने वाले टाइम पे कोई परेशानी ना हो आपको।